हमारे यहाँ पहले तो गन्ना अरहर चना करे करते, पर बाद में हमें कछु बचत ना हो तो अब बेटा हमने धानन की फसल यही मारे तो करिए। पर ताऊ जी जामे तो पानी बहुत लगता है, ताऊ जी हमारे नल ने भी पानी छोड़ दो है। ना बेटा, घर पे तो हम छोटी समर लगाएंगे, उसको फिट बोरिंग करवाएंगे। अब ताऊ जी हम तो पानी पी लेंगे। पर ताऊ जी और घरन को कहा होगा? मैंने कहा उनको ठेका ले लो। अच्छा ताऊ, हमारी समर कितने दिन तक पानी देवेगी? 20 साल तक पानी देवेगी। हमारे बच्चे कैसे पानी पी लेंगे? अरे बेटा, ये बात तो हमने सोची नहीं। ताऊ जी ये तो टीवी पे मैंने ये देखो है, बुंदेलखंड में तो सरकार पानी ट्रेन से पहुंचा रही है। ताऊ जी हमारे नागपुर ट्रेन से पानी आ करेगा? ताऊ जी अगर सरकार ने पानी ना भेजो तो हमें गड्ढन का पानी पीने पड़े करो। ताऊ जी हमारे पास तो तुम पैसा बहुत कर जाओगे, धान की फसल कर करके पानी भी खत्म कर जाओगे। बेटा अब समझ में आ गई हमारी बात, अब हम धान की फसल कभी ना करेंगे, अब तो हम चना मसूर बाजरा करेंगे। देखो भैया मेरे तो समझ में आ गई है, और जो तुम देख रहे हो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। मेरे तो ताऊ जी ये समझा दी है, जो तुम लोग देख रहे हो तुम समझा दियो घर जाके। जल जीवन की एक ही आस, इसे बचाने का।